नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत खास कुछ लेके आया हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने एक रिव्यू किया था ऑर्डर 7X का, और उसी इवेंट में एक दूसरे फ़ोन का भी प्रमोशनल पोस्टर लॉन्च हुआ था, और वो फ़ोन था हवाई मैट 10 या फिर ऑर्डर मैट 10, जो काफ़ी दिनों से हमें सुनने में आ रहा है, ये आ रहा है। तो उसके जो स्पेसिफिकेशन सामने है वो उसका मैं आज पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए बिल्कुल बने रहिए वीडियो के एंड तक, प्लीज़ वीडियो को बंद मत कीजिएगा बीच में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी मज़ेदार और टेक्नोलॉजी से बड़े वीडियोस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था हवाई मैट 10 के बारे में, तो इसके स्पेसिफिकेशन सबसे पहले शुरुआत करने से पहले इसके जो है लुक्स देख लेते हैं। और इसके लुक्स काफ़ी अच्छे, आपको ये बिल्कुल एक विजनलेस डिस्प्ले में मिलता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। जब ये मार्केट में आएगा मैं आपको इसका एक और रिव्यू दूंगा, लेकिन अभी जो है इसके जो लीक स्पेसिफिकेशन है वही ज़रा देख लेते हैं। और प्राइसिंग अभी तक सामने नहीं आई है, पोस्टर में प्राइसिंग नहीं होता है, लेकिन प्राइसिंग जैसी सामने आ जाएगी और बाकी के जो भी डिटेल्स आएंगे तो उसका मैं एक अलग से वीडियो फिर से बनाऊंगा और उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो अभी जो स्पेसिफिकेशन सामने आए उनको ही ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले ये अगर मैं इसके डिस्प्ले साइज़ की या फिर स्क्रीन साइज़ की बात करूँ, तो आपको इसमें एक 6.2 इंचेस का IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, मतलब 1080p के रेजोल्यूशन के साथ, जो कि देखने में इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा लगेगा। ये एकदम विजनलेस है जैसा कि मैंने कहा, तो इस फ़ोन पे 1080p तो होना ही चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं, तो इसमें आपको कैरन 970 का प्रोसेसर मिलता है। इसका गीगाहर्ट्ज या फिर ऑक्टाकोर ये सब हमें अभी तक पता नहीं है, ये लीक नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन कैरन 970 का प्रोसेसर मिल रहा है, मतलब ये काफ़ी हाई पावर प्रोसेसर है। और साथ ही साथ अगर मैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, तो आपको इसमें एक बिल्कुल ही नया यूज़र इंटरफेस मिलेगा हवाई की तरफ से। और इसमें आपको एंड्रॉयड ओडियो का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एकदम लेटेस्ट है, सच में लेटेस्ट है। इसके बाद आगे वाला अगर कभी अपडेट आएगा तो वो भी शायद आपको मिल जाएगा। आपको ये फ़ोन एंड्रॉयड ओडियो आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट है, काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ अगर मैं इसके कैमरे की बात करूँ, तो आपको इसमें एक डुअल लेंस कैमरा मिलता है इसके रियर में, एक 20 मेगापिक्सल का और एक 13 मेगापिक्सल का, दोनों एक साथ, जिससे आप अपने बोके इफेक्ट्स या फिर 3D ये सब आप फोटो ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का एक कैमरा मिल जाएगा आपको इस फ़ोन में मैट 10 में। और साथ ही साथ अगर मैं इसके बैटरी की बात करूँ, तो आपको इसमें एक 4200 mAh का लिथियम आयन बैटरी मिलता है, जो आपको काफ़ी देर तक आपको बैकअप दे पाएगा इन सब के साथ। इसका रैम, इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज ये सब अभी तक पता नहीं चला है, सेंसर्स का कुछ ज़्यादा पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही इन सब का अपडेट आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ मैं इसका एक रिव्यू वीडियो भी बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, जैसे कि लॉन्च होता है, तो आप उस पर भी नज़र रखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नज़र रखिएगा अपडेट के लिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, ये फ़ोन पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए इस नीचे वाले बड़े से बटन को दबा के। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। गुड बाय।